ठीक है, अगर हम लोग इस वेबसाइट को सिंगल लाइन में अगर जस्टिफाई करें या फिर डिफाइन हम लोग करें, ठीक है, तो वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड वेब पेजेस इज ए कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियोस, एनिमेशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो वेबसाइट जो है वो इंटरनेट पे काम करती है। ठीक है, अगर इंटरनेट नहीं होगा तो ये वेबसाइट का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ बैठे हुए भिलाई में, अगर मुझे मान के चलिए अमेरिका में कुछ इन्फॉर्मेशन देना है, ठीक है, मुझे कोई और तरीका नहीं पता है, ठीक है, लेकिन जो वहाँ पे यूजर्स बैठे हैं, ठीक है, उनको हम लोग को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देना है, जैसे कोई इंस्टीट्यूशन के बारे में बताना है या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना है, ठीक है, बहुत सारे उसमें ग्राफिक्स उसमें उनको दिखाना है, ठीक है, वीडियोज उनको दिखाना है या टेक्स्ट वहाँ पे हम लोग को डिस्प्ले करना है, तो इस प्रकार का कोई भी इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो वो अगर किसी मल्टीपल यूजर्स को हम लोग देना चाहते हैं, मल्टीपल यूजर्स मतलब वो हजारों की तादाद में हो सकते हैं, लाखों की तादाद में हो सकते हैं, तो इतने सारे यूजर्स जो है उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करेंगे, ठीक है, तो हम लोग एक एक इंडिविजुअल को तो भेज नहीं सकते, है ना, एक एक जन को पूरा का पूरा कंटेंट मेल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं होता है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग एक पब्लिक वेबसाइट बना लेते हैं, मतलब एक इंफॉर्मेशन का एक ऐसा सोर्स बना लेते हैं हम लोग जो कि सबके लिए अवेलेबल होता है, कोई भी कहीं पे भी बैठा हुआ आदमी इसको खोल सकता है, उसको एक्सेस कर सकता है, उसको रीड कर सकता है, उसको सारे चीज उसमें से पढ़ सकता है, देख सकता है, ठीक है, तो इस टाइप के प्लेटफॉर्म को हम लोग यहाँ पे वेबसाइट बोलते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं बहुत सारे वेबसाइट्स अवेलेबल है लाइक फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे यहाँ पे हम लोग के पास बहुत सारे इस प्रकार के हम लोग के पास जो वेबसाइट्स है वो अवेलेबल होते हैं, तो इतने सारे वेबसाइट्स यहाँ पे हमारे पास दिए हुए हैं, तो उस वेबसाइट्स में हम लोगों को क्या मिलते हैं, इंफॉर्मेशन मिलते हैं, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन किसी भी तरह का हो सकता है, वो टेक्स्ट हो सकता है, वो ग्राफिक्स के तौर पे हो सकता है या इमेजेस के तौर पे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो इस प्रकार के जो इन्फॉर्मेशन होती है वो यूजर के लिए बहुत लाभदायक होता है, मतलब यूजर उस इंफॉर्मेशन को रीड करके बहुत सारे ज्ञान ले सकता है, ठीक है, जैसे कि यूट्यूब वगैरह होता है, यूट्यूब में क्या होता है बहुत सारे वीडियोज हम लोग को मिलते हैं, ठीक है, तो वीडियोस हम लोग को वहां से मिलते हैं, तो उससे हम लोग क्या करते हैं बहुत सारे इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, कभी भी हम लोग को कोई भी चीज की समस्या होती है तो हम लोग यूट्यूब पे सर्च करते हैं या गूगल पे सर्च करते हैं, ठीक है, तो वो इंटरनेट एक ऐसा सोर्स है आज के डेट पे जिसपे हम लोग को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, और इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन हम लोग कैसे मिल रही है, वेबसाइट के थ्रू, अगर हम लोग कुछ भी चीज सर्च करते हैं, जैसे मान के चलो मैं यहाँ गूगल ओपन किया, ठीक है, मैंने यहाँ पे गूगल डॉट को डॉट इन मैंने यहाँ पे खोला, ठीक है, और मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेटेस्ट मोबाइल, ठीक है, फोन्स, ठीक है, यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया, तो यहाँ पे हम लोग को ये सारा चीजें कहाँ मिल रहा है, इस गूगल की वेबसाइट पे मिल रही है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं गूगल की वेबसाइट पे ही हम लोग को मिल रही है, और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स बनी होती है, ठीक है, जिसमें हम लोग को उस प्रकार की रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, जैसे कि 91mobiles.com है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को पूरे के पूरे मोबाइल फोन की जानकारी मिल जाती है, उसका रेट क्या है, ये वो सब चीज़, उसका ग्राफिक्स, ठीक है, कंपेरिजन, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स है, सारा चीज़ हम लोग को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, तो ये क्या है, एक वेबसाइट है, तो वैसे ही बहुत सारी वेबसाइट्स इंटरनेट में हम लोग को मिल जाती है जहाँ से हम लोग नई नई चीज़ों की जानकारी जो हमें चाहिए, ठीक है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, तो ये सारा क्या है, पब्लिक इंफॉर्मेशन होता है, मतलब कोई भी अगर हम लोग वेबसाइट की बात करते हैं तो वो एक पब्लिक इंफॉर्मेशन होता है जो सबके लिए अवेलेबल होता है और कहीं से भी कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, कहीं से भी कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग वेबसाइट की बात करेंगे, ठीक है, तो वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होगा और वेब पेजेस के अंदर बहुत सारे
टेक्स्ट इमेजेस ग्राफिक्स ये सारे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे अपलोडिंग और डाउनलोडिंग। ठीक है, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग की अगर हम लोग बात करें तो जनरली जो हमारा वेबसाइट होता है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे काम करता है। ठीक है, मतलब कोई भी एक क्लाइंट कंप्यूटर होगा, ठीक है, वो डायरेक्टली कनेक्ट होगा वेब सर्वर से। ठीक है, वेब सर्वर से वो कनेक्टेड होगा। ठीक है, जो क्लाइंट कंप्यूटर है वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट सेंड करेगा इस वेब सर्वर को। ठीक है, अब वो रिक्वेस्ट कैसे सेंड करेगा, रिक्वेस्ट सेंड करेगा कोई भी यूआरएल से। मान के चलो हम लोग यूआरएल यहाँ पे डाले, ठीक है, www.google.co.in, ये हमने रिक्वेस्ट दिया। ठीक है, ये हमारा रिक्वेस्ट है। ठीक है, वो वेब सर्वर के पास जाएगा। अब वो किस वेब सर्वर के पास जाएगा, वो गूगल के सर्वर पे जाएगा। ठीक है, रिक्वेस्ट वहां से वो एक्सेप्ट करेगा और यहाँ से हम लोग को एक वेब पेजेस हमारे क्लाइंट कंप्यूटर तक पहुंचा के दे देगा। क्लाइंट कंप्यूटर हम लोग जो यूज कर रहे हैं अभी, जिससे हम लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, क्लाइंट कंप्यूटर, या फिर इसको हम लोग मोबाइल डिवाइस भी बोल सकते हैं। ठीक है, किसी भी मोबाइल से हम लोग अगर इंटरनेट एक्सेस करते हैं या कंप्यूटर से इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो हमेशा जो रिक्वेस्ट जाएगा वो यूआरएल के फॉर्म पे जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ कुछ भी चीज़ ओपन करता हूँ, अगर वेब ब्राउजर में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ और मैं कुछ भी चीज़ ओपन करता हूँ तो हर चीज़ यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वो यूआरएल के थ्रू ही जाता है। ठीक है, यहाँ पे यूआरएल बार होता है, ये वाला जो है यूआरएल बार इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने सर्च किया लेटेस्ट मोबाइल फोन, यहाँ पे देख सकते हैं, और ये यूआरएल में भी यहाँ पे गया, सर्च क्वेश्चन मार्क क्वेरी लेटेस्ट प्लस मोबाइल प्लस फोन, ऐसे टाइप से वो क्वेरी के फॉर्म पे वो सर्वर पे जाता है रिक्वेस्ट। जैसे ही सर्वर पे रिक्वेस्ट गया वहां से हम लोग को रिस्पॉन्स मिला। रिस्पॉन्स के तौर पे हम लोग को क्या मिला, कुछ इस प्रकार का एक वेब पेज मिला हम लोग को। ठीक है, और इसके अंदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम लोग को मिल जाती है। ठीक है, तो जो यहाँ पे वेबसाइट्स होती है वो जनरली क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में काम करता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग क्लाइंट कंप्यूटर से कुछ भी चीज हम लोग वेब सर्वर तक भेजते हैं, ठीक है, वो चाहे रिक्वेस्ट हो, ठीक है, या फिर कोई भी फाइल्स हो, ठीक है, क्लाइंट कंप्यूटर से हम लोग वेब सर्वर तक कुछ भेजते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इसको हम लोग बोलेंगे अपलोडिंग। ठीक है, वेब सर्वर्स वगैरह क्या होते हैं वो सारी चीजें हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे अपलोडिंग। सेम वैसे ही यहाँ पे अगर हम लोग वेब सर्वर से कुछ चीज हम लोग अपने क्लाइंट कंप्यूटर पे लेके आते हैं, ठीक है, तो इसको, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाउनलोडिंग। ठीक है, जैसे कि हम लोग ने एग्जाम फॉर्म भरा, ठीक है, एग्जाम फॉर्म जब हम लोग भरे, ठीक है, तो ऑनलाइन फॉर्म भरे तो ऑनलाइन फॉर्म में हम लोग को फोटो अपलोड करना पड़ा, हम लोग उसमें सिग्नेचर अपलोड किए, हम लोग उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किए, तो वो हमारे क्लाइंट कंप्यूटर या फिर मोबाइल फोन से कहाँ पे जा रहा है, हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी के वेब सर्वर पे जा रहा है। तो वहां पे हम लोग ने क्या किया, अपलोडिंग किया। ठीक है, अगर हमको कोई भी मूवी डाउनलोड करना है, सॉन्ग्स डाउनलोड करना है, कोई फाइल डाउनलोड करना है, पीडीएफ्स डाउनलोड करते हैं हम लोग, ठीक है, या फिर कोई इमेजेस हम लोग डाउनलोड करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, वेब सर्वर से अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल फोन में डाउनलोड होता है। ठीक है, मतलब वेब सर्वर से डेटा कहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, हमारे कंप्यूटर या फिर मोबाइल फोन में। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग डाउनलोडिंग बोलते हैं। तो यहाँ अपलोडिंग और डाउनलोडिंग दो ही चीज होती है इंटरनेट में, या तो डेटा हमारे कंप्यूटर से वेब सर्वर तक जाएगा, ठीक है, या फिर वेब सर्वर से हमारे कंप्यूटर तक आएगा, इसके अलावा इसके बीच में कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, डेटा ट्रांसफर होता है तो अपलोडिंग और डाउनलोडिंग ही यहाँ पे होती है। ठीक है, जब भी हम लोग कोई भी इंटरनेट की बात करें, ठीक है, तो इसमें दो ही चीजें होती है। ठीक है, अगर विश्वास नहीं होता है तो मैं यहाँ पे स्पीड टेस्ट में दिखा देता हूँ। स्पीड टेस्ट में हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि स्पीड टेस्ट में दो ही चीज चेक करता है हमेशा, और इसके अलावा इंटरनेट में कुछ नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे मेरा इंटरनेट जो है वो एयरटेल का है,
और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो चीज पिंग कर रहा है, और डाउनलोड और अपलोड दो चीज है यहाँ पे। ठीक है, ये डाउनलोड का हो गया और ये अपलोड अभी दिखाएगा, ठीक है। तो ये दो चीज यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिलती है। तो इस प्रकार से जो डाउनलोडिंग और अपलोडिंग है, ठीक है, वो रिक्वेस्ट सेंड होता है वेब सर्वर तक, और वेब सर्वर से लेके क्लाइंट कंप्यूटर तक हम लोग को रिस्पॉन्स मिलता है। तो दो ही चीज यहाँ पे होती है, वो रिक्वेस्ट को अपलोडिंग बोलते हैं, और यहाँ पे जो रिस्पॉन्स मिलता है उसको हम लोग यहाँ डाउनलोडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी अपलोडिंग या डाउनलोडिंग होता है वो FTP के द्वारा होता है। FTP मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस FTP को हम लोग बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है, ये जनरली एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ठीक है। मतलब प्रोटोकॉल मतलब होता है रूल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। तो फाइल ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे कुछ रूल्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स, ठीक है। जनरली FTP जो होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक छोटा सा एक एप्लीकेशन होता है जो हम लोग को हेल्प करता है किसी भी फाइल को अपलोड करने में और किसी भी फाइल को डाउनलोड करने में, किसी भी फाइल को अपलोड करने में और किसी भी फाइल को डाउनलोड करने में। अगर किसी भी कोई भी वेब ब्राउजर पे या फिर जो भी हम लोग एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं उसमें हम लोग ने FTP का प्रोग्राम नहीं लगाया है, तो हम लोग कोई भी फाइल ना अपलोड कर पाएंगे ना डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है, ना उसमें अपलोड कर पाएंगे ना उससे डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। जैसे बहुत सारी चीजें होती है, जैसे वेब सर्वर है, वेब सर्वर में क्या है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। मतलब जो भी हम लोग वेबसाइट डालते हैं, जो भी हम लोग डेटा उसमें डालते हैं, वेब सर्वर जनरली क्या होता है, एक बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है। मतलब कंप्यूटर जैसा ही होता है, नॉर्मल कंप्यूटर, लेकिन उसमें बहुत सारी स्टोरेज होती है, ठीक है। उसमें स्टोरेज बहुत सारी होती है। जैसे हम लोग के नॉर्मल कंप्यूटर में क्या स्टोरेज होता है, 500 GB होता है, 1 TB होता है, ठीक है, 2 TB होता है, 4 TB होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग उस सर्वर की अगर बात करें, सर्वर भी नॉर्मल कंप्यूटर ही होता है, लेकिन वो बहुत सारे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, ठीक है। मतलब मान के चलो 1,000 कंप्यूटर, 10,000 कंप्यूटर, ठीक है, 1,00,000 कंप्यूटर, इस टाइप से बहुत सारे मल्टीपल कंप्यूटर से वो कनेक्ट होता है, और वहां से हम लोग को कोई भी रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स वो करके देता है, ठीक है। तो वहां पे जो हम लोग वेबसाइट्स बनाते हैं, ठीक है, जो भी हम लोग खुद वेबसाइट बनाते हैं वो हम लोग कहाँ पे अपलोड करेंगे, सर्वर पे अपलोड करेंगे। तो सर्वर पे जब हम लोग उसको अपलोड करेंगे, ठीक है, तो उसके पास इतनी सारी स्पेस होती है कि वो आराम से बहुत सारे डेटा को उसमें रख सकता है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि यूट्यूब है, ठीक है, यूट्यूब जो है हमारा, ठीक है, अगर हम लोग इसके सर्वर की बात करें तो इसका सर्वर इतना बड़ा है कि वो मान के चलो आज के डेट पे कम से कम 2.3 बिलियन, ठीक है, 2.3 या फिर 23 समथिंग कुछ बिलियन वीडियोस को वो अभी तक स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है। 23 बिलियन या फिर 2.3 बिलियन के आसपास उसने वीडियोस को स्टोर कर रखा हुआ है आज के डेट का, ठीक है। मतलब कितना ज्यादा होगा, मतलब इतनी तो पॉपुलेशन भी नहीं है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन उससे ज्यादा उसने वीडियोस उसमें स्टोर करके रखा है, तो उसके पास स्टोरेज कितनी ज्यादा होगी, ठीक है। और पूरे दुनिया भर में यूट्यूब को 24 घंटे देखा जाता है, मतलब 1 सेकंड की अगर हम लोग बात करें तो 1 सेकंड में कम से कम 1 मिलियन लोग देखते हैं, मतलब 10 लाख लोग 1 सेकंड में देखते हैं, ठीक है। तो इतना ज्यादा वो सर्व कैसे करता होगा, ठीक है। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज इसमें यूज होती है, ठीक है। तो जनरली जो वेब सर्वर होता है, ठीक है, तो यूट्यूब की अगर वेब सर्वर की हम लोग बात करें तो यूट्यूब के वेब सर्वर में हम लोग को बहुत बड़ी स्टोरेज मिल जाती है। स्टोरेज मतलब जो हार्ड डिस्क उसके अंदर लगा होगा, ठीक है, वो बहुत सारे मल्टीपल हार्ड डिस्क लगे रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डेटा सेंटर, ठीक है, डेटा सेंटर बोला जाता है।
तो ये जनरली यूट्यूब गूगल का प्रोडक्ट है, तो गूगल का एक डेटा सेंटर है, ठीक है। इसका मैं एक वीडियो दिखाऊंगा आप लोगों को कुछ दिन बाद, ठीक है, या फिर कल मैं इसका वीडियो दिखाऊंगा, उसको देखना आराम से, ठीक है, और उसको समझना कि कैसा वो डेटा सेंटर होता है और काम कैसे करता है वो, ठीक है। तो जनरली जो यहाँ पे हम लोग अपलोडिंग और डाउनलोडिंग हम लोग देखते हैं वो FTP से ही पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स, ठीक है। देखो जनरली दो टाइप के वेबसाइट होते हैं, एक होता है स्टैटिक वेबसाइट, सेकंड होता है डायनामिक वेबसाइट, ठीक है। दो टाइप के वेबसाइट होते हैं, ठीक है, दोनों का फंक्शन अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, वेबसाइट कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द फंक्शन एंड कंपोनेंट। द मेन फंक्शन ऑफ द वेबसाइट इज टू शो द मेन इंफॉर्मेशन, बट मैनी वेबसाइट ऑल्सो डिमांड इंफॉर्मेशन। अब देखो मैं सिंपल सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट टाइप है यहाँ पे स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट वो वेबसाइट होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन शो करते हैं, ठीक है। उसमें कोई भी इनपुट नहीं डाला जाता है, ठीक है, उसमें पहले से सारा डेटा डाल दिया जाता है और यहाँ पे शो कर दिया जाता है। जैसे हमारे कॉलेज का वेबसाइट है, ठीक है, saikollege.org, ठीक है। ये जो हमारे कॉलेज का वेबसाइट है, ठीक है, ये स्टैटिक वेबसाइट है, इसमें सारी इंफॉर्मेशन पहले से डाल दी गई है, ये जब हम चेंज करना चाहेंगे तभी चेंज होगा, ठीक है। हमने इसको प्योरली HTML में बनाया है और इसको बना के अपलोड कर दिया है सर्वर पे, ठीक है। जैसे ही हमने उसको अपलोड कर दिया, तो जो भी इंफॉर्मेशन इसमें हमने डाला है, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन जब तक हम लोग नेक्स्ट अपडेट नहीं करेंगे तब तक वो शो करते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, HTML टूल्स आर यूज टू क्रिएट दिस टाइप ऑफ साइट। ईच पेज हैज सेपरेट डॉक्यूमेंट, नो डेटाबेस और अदर फाइल्स आर एडेड टू इट, ठीक है। कोई भी डेटाबेस इसमें नहीं होगा, ठीक है, सारा चीज हम लोग HTML डॉक्यूमेंट पे ही डाल देते हैं। टू चेंज द कंपोनेंट ऑफ द पेज, द HTML कोड ऑफ दैट पेज हैज टू बी मॉडिफाइड। अगर हम लोगों को कोई भी कंपोनेंट पे चेंज करना है, मतलब तो कुछ भी उसमें ऐड करना है या फिर हटाना है, ठीक है, तो हम लोगों को HTML कोड पे मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारे HTML एडिटर आते हैं जिसके थ्रू हम लोग उसके कंपोनेंट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जनरली जो स्टैटिक वेबसाइट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने का काम करते हैं, अदरवाइज इसके अलावा स्टैटिक वेबसाइट में और कोई भी काम नहीं होता है। अगर उस इंफॉर्मेशन में हम लोग को कुछ भी चेंजेस करने होते हैं तो हम लोग को डायरेक्ट HTML कोड को मॉडिफाई करना होता है, तभी हम लोग चेंज कर पाएंगे। तो इस टाइप की वेबसाइट को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक वेबसाइट, ठीक है। स्टैटिक मतलब होता है कि जो फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होता है, ठीक है, मतलब जो बार बार चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। तो ये हुआ स्टैटिक वेबसाइट। अब सेकेंड होता है डायनामिक वेबसाइट। डायनामिक वेबसाइट ऐसे वेबसाइट होते हैं जो हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे चेंज होते रहता है, ठीक है, हर मिनट, हर घंटे, हर सेकंड, ठीक है, वो चेंज होते रहता है, मतलब उसके अंदर के जो कंटेंट होंगे, जो इंफॉर्मेशन होंगे, वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका फेसबुक। फेसबुक जब जब ओपन करेंगे हम लोग को कंटेंट नया मिलता है, वो भी क्या है, वो भी एक वेबसाइट है, ठीक है, वो भी एक वेबसाइट है, ठीक है। तो वेबसाइट में जितने बार हम लोग उस पर रिफ्रेश करते जाएंगे, हम लोग को नया नया इंफॉर्मेशन वहां मिलते जाता है, नए नए पोस्ट हम लोग ये नए नए पोस्ट हम लोग को मिलते जाता है। तो इस प्रकार के जो वेबसाइट्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक वेबसाइट। ठीक है, इस टाइप के वेबसाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, डायनामिक वेबसाइट। तो डायनामिक वेबसाइट जनरली क्या होते हैं, इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कोडिंग हम लोग को करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे PHP, ASP, ठीक है, और JSP, इस टाइप के बहुत सारे अलग अलग टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है जिसकी हेल्प से हम लोग उसको बना पाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के वेबसाइट को हम लोग बोलते हैं डायनामिक वेबसाइट, ठीक है, जो कि रेगुलर इंटरवल्स में वो चेंज होते जाते हैं। उसके जो डेटा होंगे, ठीक
ठीक है, और जो उसके अंदर कंटेंट होंगे वो चेंज होते जाते हैं। ये जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, जैसे कि रील्स हम लोग देखते हैं वो हो गया, या फिर न्यूज़ वेबसाइट्स होती है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, डायनामिक वेबसाइट्स, ठीक है, जिसमें जो इन्फॉर्मेशन होता है वो फ्रिक्वेंटली चेंज हो जाता है, कुछ एक रेगुलर टाइम इंटरवल में वो चेंज कर किया जाता है उसको, ठीक है। जैसे न्यूज़ होता है, ठीक है, न्यूज़ पोर्टल्स होते हैं बहुत सारे, ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल, टाइम्स ऑफ इंडिया हम लोग देखते हैं, द हिंदू देखते हैं, ठीक है, दैनिक भास्कर होता है, ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट्स हो गई आजकल, ठीक है। तो वो सारा क्या है, डायनामिक वेबसाइट होते हैं जिसमें हम लोग नई नई इंफॉर्मेशन रेगुलर टाइम इंटरवल्स में हम लोग देखते जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के वेबसाइट को हम लोग बोलते हैं डायनामिक वेबसाइट।